दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने स्मार्ट टीवी में गेम कैसे खेल सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को ही गेम पैड बनाकर। देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्मार्ट टीवी में गेम खेलने के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि हमारे पास एक गेम पैड होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास गेम पैड नहीं है तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं जिससे दोस्तों हम अपने मोबाइल फ़ोन को ही अपना गेम पैड बना करके हम आसानी से गेम को ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही। तो ये सब कुछ किस तरह से करना होता है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। वीडियो को कहीं पर भी स्किप करके मत देखना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और हाँ दोस्तों, टीवी से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड दोस्तों मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उन सब वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टीवी और मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर और आपको सारा कुछ समझा देते हैं कि कैसे खेलना है। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने टीवी स्क्रीन के पास और ये रहा दोस्तों हमारा मोबाइल फ़ोन जिसको हम अभी ऑपरेट करेंगे और इसी मोबाइल फ़ोन को गेम पैड में कन्वर्ट करके हम टीवी में गेम खेलेंगे। तो गाइस यहाँ पर ऑलरेडी हमने दो गेम इंस्टॉल करके रखा हुआ है, दोनों में से दोस्तों कोई एक गेम मैं आपको खेल के बताऊँगा। तो गेम खेलने से पहले दोस्तों हमें गेम पैड कैसे बनाना है मोबाइल को उस पर बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है सेटस प्ले। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, टीवी के प्ले स्टोर में, और वहाँ पर आपको टाइप करना है सेटस प्ले फॉर टीवी। यहाँ पर देख सकते हो सेटस प्ले फॉर टीवी, और सेम वही एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है आपको अपने मोबाइल फ़ोन में। और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में आने के बाद दोस्तों आपको टाइप करना है सेटस प्ले फॉर मोबाइल, ठीक है दोस्तों। तो मोबाइल के लिए मोबाइल वाला एप्लीकेशन और टीवी के लिए टीवी वाला एप्लीकेशन। उसके बाद दोस्तों चलना है अपने टीवी के सेटिंग्स में और यहाँ पर डिवाइस एंड प्रेफरेंस वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से दोस्तों हमें कीबोर्ड पर क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका गो कीबोर्ड पर सिलेक्टेड रहेगा तो आपको यहाँ पर सेटस प्ले इनपुट वाले ऑप्शन पर जाके इसको क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आपका सेटस प्ले इनपुट सेटिंग्स आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आप जस्ट यहाँ इस पेज पे आपको आ जाना है। आप बैक करके भी आप इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अपना टीवी जो है, ये सारा प्रोसेस करने से पहले दोस्तों हमारा जो टीवी है इसको वाईफाई से कनेक्टेड रहना चाहिए, और किसी थर्ड पार्टी मोबाइल का वाईफाई जो है दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन का वाईफाई नहीं, किसी और मोबाइल फ़ोन का वाईफाई ऑन कर लीजिएगा और अपने टीवी को और अपने मोबाइल फ़ोन को इस मोबाइल फ़ोन को सेम वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आना है अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे और चलना है दोस्तों मोबाइल फ़ोन में जो एप्लीकेशन है सेटस प्ले, इसको ऑन करना है। जैसे ही दोस्तों हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसके बाद दोस्तों ये हमारा टीवी को फाइंड करेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्मार्ट टीवी करके एक आ चुका है और यहाँ पर तो ये स्मार्ट टीवी ये हमारे टीवी को ही दिखा रहा है। अभी भी ये सर्चिंग कर रहा है कोई और स्मार्ट टीवी इसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा अभी सर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हमें स्मार्ट टीवी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अभी ये कनेक्टिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका एक आईपी एड्रेस हमारे टीवी में जनरेट हुआ है। आईपी एड्रेस है 192.168.4.3.8.1। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वही आईपी एड्रेस आप मोबाइल फ़ोन में देख सकते हो, वही सेम टू सेम आईपी एड्रेस आ चुका है यहाँ पर 192.168.4.3.8.1, ठीक है। मतलब ये टीवी वाला आईपी एड्रेस हमारे मोबाइल फ़ोन में आ चुका है, मतलब सेम चीज़ है। अब यहाँ पर दोस्तों कनेक्टेड भी आपको दिखा रहा होगा हमारे मोबाइल फ़ोन में। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, रिमोट यहाँ पर देख सकते हो, माउस, प्ले ऑन टीवी, माई एप्लीकेशन, सर्च टू कास्ट। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर से भी ऑपरेट कर सकते हैं अपने टीवी को, और यहाँ से दोस्तों हमें बैक आ जाना है। बैक हम चाहे तो इसे भी आ सकते हैं, और देखिए हमारा टीवी जो है वो बैक हो चुका। और इसके बाद दोस्तों हम चाहें तो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं अपने टीवी का, वॉल्यूम घटा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों बात आता है कि गेम खेलना, तो गेम कैसे खेल सकते हैं। यहाँ पर एक स्टेप बैक आना है हमें, और अब दोस्तों कुछ इस तरह से जब बैक आने के बाद इस तरह से इंटरफेस दिखाएगा। तो यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में दोस्तों ये वाले ऑप्शन दिख रही है हमारे मोबाइल फ़ोन में, तो ये वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन हैं, डायल मोड, टच मोड, यहाँ पर माउस मोड, नंबरिंग मोड, यहाँ पर सबसे लास्ट में है गेम पैड। आप यहाँ पर ईजिली देख पाओगे यहाँ पर गेम पैड लिख के ऑप्शन आ रहा है, तो हमें गेम पैड पर क्लिक कर देना है। अभी जो हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया ये गेम पैड में कन्वर्ट हो चुका है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अपने टीवी के रिमोट्स पे चलना है और इस गेम को हमें ऑन कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम इस गेम को ऑन कर लिए हैं अपने टीवी।
हमने दोस्तों अपने टीवी का जो गेम है इसको ऑन कर दिया। अब दोस्तों तब तक ये लोडिंग हो रहा है। अब यहाँ से गेम कैसे ऑपरेट करना है दोस्तों, यहाँ पर एक बटन दिया गया है लेफ्ट राइट ऊपर अप डाउन, यहाँ पर करने का ऑप्शन है। और यहाँ पर दोस्तों वाई बी एक्स ए ये बटन्स कुछ दिए गए हैं। और ये यहाँ पर दोस्तों ए बटन पर जैसे हम क्लिक किए तो यहाँ पर ये पेज ओपन हो चुका है और ये हमें गेम फाइनली गेम ओपन हो चुका है। तो चलिए अब हम गेम खेल लेते हैं, देखते हैं कि गेम को हम कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। सो गाइस देख सकते हो हम आसानी से गेम खेल पा रहे हैं अपने टीवी में अपने गेम पैड को यूज़ करके दोस्तों। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो कितना सिंपल तरीका है, हमें लेफ्ट राइट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। ये गेम बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एक ही बटन से आप हैंडल कर पा रहे हैं लेफ्ट राइट अप डाउन दोस्तों, और बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ इस दोस्तों गेम पैड को यूज़ करके आप कोई भी गेम बहुत ही आसानी से खेल सकते हो। सो गाइज बहुत ही सिंपल तरीका है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ। और अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।